उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक सनसनीखेज कत्ल वारदात सामने आई, जहां घर के अंदर ही पड़ी मिली पति पत्नी की खून से लथपथ लाश। स्थानीय लोगों की सूचना पर फौरन पहुंची पुलिस ने लाश की तलाशी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में लगी। दरअसल ये पूरा मामला पूरा कलंदर थाना इलाके के चांदपुर हरवंश गांव का है, जहां बीती रात पति पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर सनसनीखेज कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। वहीं सुबह जब पड़ोसियों को उनके घर से कोई आवाज नहीं आई, तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने घर के अंदर झांक कर देखा तो खून से लथपथ पति पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी हुई, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश की जांच पड़ताल की, जिससे पता चला कि इन दोनों के सर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस वक्त पति पत्नी का कत्ल किया गया, उस वक्त दोनों घर में अकेले। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किया किसने और किस कारण से किया, हत्यारे का कत्ल के पीछे क्या मकसद था। वहीं इस कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई। पति पत्नी जो वृद्ध हैं, उनका शव मिला है। प्राप्त जानकारी के तत्काल पुलिस ने यहाँ पे मौके पे आई और घटनास्थल के निरीक्षण से ये पता चलता है कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इनके सर पे वार किया गया है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। ये दोनों अकेले रहते थे, यहाँ पर गांव से सटे एक छोटा सा मकान जैसा कि आप देखें यहाँ बना के ये अकेले रहते थे। हत्या किन कारणों से हुई है अभी इनके परिजन जो नहीं बता पा रहे हैं। इसमें तत्काल हमारी टीम लग गई है, घटना का अनावरण करेंगे। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की हत्या की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही हत्या का खुलासा कर हत्यारे को गिरफ्तार किया जाएगा।